हेलो फ्रेंड दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सामने देखिए, एसएससी रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, एक पहिया, पहिया कैसा दोस्तों? वृत्त जैसा होता है, वृत्त के समान। तो एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा हूँ? 14 सेंटीमीटर है। यह 800 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? 800 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? तो दोस्तों 800 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक पहिया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ समझाऊँ, एक पहिया। अब पहिया यहाँ से यहाँ तक अगर एक चक्कर लगाता है तो क्या बन जाता है? एक वृत्त बन जाता है। और जब एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? वृत्त की परिधि कहते हैं। देखो, एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि होती है। एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि होती है, यानी कि यहाँ से एक चक्कर लगाता है तो ये वृत्त की क्या हो जाती है दोस्तों? परिधि हो जाती है। और जो परिधि क्या होती है दोस्तों? परिधि का जो फार्मूला है वो 2πr होता है। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है? 2π का मान होता है 22/7 r, यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी दोस्तों इसकी? 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। 7 से काटेंगे, 7 × 14 और 22 × 44, 44 × 88 सेंटीमीटर की परिधि आ गई, यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी आ गई। अब अपनों को निकालना है दोस्तों 800 चक्कर में चली गई दूरी। कितने चक्कर में? 800 चली गई चक्कर में चली गई दूरी। और वो कहीं में निकालना है? मीटर में निकालना है, है ना? तो 800 चक्कर में चली गई दूरी, यानी कि 800 × 88, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, पहले तो 2 सिपरियाँ लग जाएगी। 8 × 64 = 4 हसिला 6, 8 × 64 और 64 × 6 = 70 हो जाएगा। ठीक है, ये है दोस्तों सेंटीमीटर। ये काहे में? सेंटीमीटर में। अपनों से पूछा है मीटर में, काहे में पूछा है? यहाँ पे ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं। तो मीटर में इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से भाग लगा देंगे तो 2 से पकड़ जाएगी, यानी कि 704 मीटर इसकी दूरी होगी। कितनी दूरी तय करेगा वो? 704 मीटर दूरी तय करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।